दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के क्वालीफाई मुकाबले में सभी टीमों ने अपने तीन में से दो दो मैच खेल चुके हैं और काफ़ी बड़ा उलटफेर हो चुके हैं। जहां ग्रुप ए में श्रीलंका, आयरलैंड, नामीबिया और नीदरलैंड है, तो वहीं ग्रुप बी में स्कॉटलैंड, ओमान, बांग्लादेश और पपुआ न्यू गिनी है। तो दोस्तों वहीं बांग्लादेश बाहर होने वाली है, तो वहीं श्रीलंका टॉप पर टॉप 12 में जगह बना ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले उन चार टीमों के बारे में जो टॉप 12 में जगह बनाएंगी। वहीं चार टीमों में से बांग्लादेश ऐसी टीम है जो बाहर होने के कगार पर आखिर कितना पॉइंट चाहिए टॉप 12 में जगह बनाने के लिए और नेट रन रेट की क्या जरूरत है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में पहली जो टीम टॉप 12 में 100% जगह बना चुकी है वह श्रीलंका टीम है। श्रीलंका दो मैच में से दो मैच पूरे जीत चुके हो भी अच्छे नेट रन रेट से जीती है। नेट रन रेट प्लस 3.165 और 4 पॉइंट इस टीम के पास है। अभी इस टीम ने 100% टॉप 12 में जगह बना ली है और पहले नंबर पर भी रहेगी। वहीं दूसरी जो टीम टॉप 12 में जगह बनाएगी आयरलैंड और नामीबिया में से कोई एक टीम रहने वाली है। दोनों ही टीमों ने अपने दो मैचों में से एक एक मैच जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट थोड़ा सा आयरलैंड का ज़्यादा बेहतर है। वहीं नीदरलैंड ऑलरेडी टॉप 12 से बाहर हो चुकी है। तो श्रीलंका और आयरलैंड ये दोनों टीम ग्रुप ए से टॉप 12 में पहुँच सकती है। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप बी की, तो स्कॉटलैंड लगभग कन्फर्म हो चुकी है, ये टॉप 12 में जगह बना ली है। वहीं दूसरी टीम में बांग्लादेश और ओमान के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। नेट रन रेट का खेल है। अगर कल आज जो मुकाबला स्कॉटलैंड और ओमान के बीच में रहने वाला है, अगर ओमान अच्छे नेट रन रेट से जीत जाती है तो बांग्लादेश के बाहर होने के चांसेस हाई लेवल हो जाएंगे। वहीं अगर ओमान हारती है तो बांग्लादेश अगर मुकाबला जीतेगी तो ये टॉप 12 में जगह बना लेगी, लेकिन स्कॉटलैंड कन्फर्म हो चुका है कि वो टॉप 12 में जगह बना ली। वहीं दूसरी जो टीम रहने वाली है बांग्लादेश रहने वाली है। वहीं हम चौथी टीम के बाद तो पपुआ न्यू गिनी, ये तो 100% टॉप 12 से बाहर हो चुके हैं क्योंकि दो मैच खेली और दोनों मैचों में से दो मैच हार चुके। अभी एक मैच और अगर खेलेगी, अच्छा नेट रन रेट से जीती है तो भी ये टीम टॉप 12 में जगह नहीं बना पाएगी। यानी कि जो चार टीमें रहने वाली है टॉप 12 में जगह, उसमें पहली टीम श्रीलंका है, दूसरी टीम आयरलैंड है, तीसरी जो टीम स्कॉटलैंड रहने वाली है और चौथी टीम बांग्लादेश रहने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी वो चार टीमें रहने वाली है जो टॉप 12 में जगह बना पाएंगी? बांग्लादेश, ओमान, स्कॉटलैंड में से कौन सी दो टीमें रहेंगी जो टॉप 12 में जगह बना पाएंगी ग्रुप बी से? और ग्रुप ए में से नामीबिया, आयरलैंड और श्रीलंका में से कौन सी दो टीमें रहने वाली हैं वो जो टॉप 12 में जगह बनाएंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।